आइए बाइबल में से निकालें लूका का सुसमाचार 11 अध्याय। लूका 11 अध्याय एक वचन से। ऐसा हुआ जब यीशु प्रार्थना कर रहे थे किसी जगह पर, जब वो प्रार्थना कर चुके, उसके चेलों में से एक चेले ने यीशु से कहा, हमें प्रार्थना करना सिखाएं जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को सिखाया है। मैं चाहता हूं कि हम यहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर ध्यान दें। मैं विश्वास करता हूं कि ये बहुत ही भय योग्य बात है कि यीशु मसीह को प्रार्थना करते हुए देखें। यह घटना अद्भुत है उन सब से जो भी यीशु मसीह ने इस धरती पर किए, क्योंकि अगर आप ध्यान दें, यहां लिखा है वो किसी जगह प्रार्थना कर रहा था और जब वो प्रार्थना कर चुका, किसी का हिम्मत नहीं कि उस पवित्र को छुए। जब वो अपने घुटनों पर था और जब वो अपने पिता से बात कर रहा था, ये घटना की तुलना किसी भी चीज से नहीं कर सकते जो इस धरती पर घट चुकी है। इसके बाद उसके चेलों में से एक चेले ने आकर उससे कहा, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाएं। अब यह बयान मुझे बाकी सबसे अद्भुत लगता है, पर इसको पढ़ने वाला हर एक इस बयान को अनदेखा करता है। अगर आप बहुत महत्वपूर्ण बात जो इस जगह पर लिखी है ध्यान दें कि चेले कभी भी यीशु मसीह के पास आके कभी नहीं कहे हमें प्रचार करना सिखाएं। चेलों में से कभी किसी ने नहीं पूछा हमें पानी पर चलना सिखाएं। चेलों में से कभी किसी ने नहीं पूछा हमें मुर्दों को जिंदा करना सिखाएं। चेलों में से कभी किसी ने नहीं पूछा प्रभु हमें दुष्ट आत्माओं को निकालना सिखाएं। अब अगर आप जानना चाहते हैं कि बास्केटबॉल कैसे खेलते हैं, तो शायद आप मेरे पास नहीं आएंगे क्योंकि मैं उसके बारे में इतना नहीं जानता हूं। आप इस बात का पता लगाएंगे कि मेरी विशेषताएं क्या हैं, तब आप मुझे उसके बारे में पूछ सकते हैं। आप जब किसी से उसकी विशेषताओं के बारे में पूछते हैं, ये तभी पूछ सकते हैं जब आपको उसकी विशेषताएं प्रभावित करती हैं उस व्यक्ति के बारे में। मैं विश्वास करता हूं बिना किसी शक के, ईश्वरीय सामर्थ का सबसे बड़ा प्रमाण इसमें नहीं कि जब यीशु मसीह ने मुर्दों को जिंदा किया और ना जब वो पानी पर चला, पर जब उसने प्रार्थना किया। और मैं विश्वास करता हूं कि जब चेलों ने यीशु मसीह को प्रार्थना करते हुए देखा, उनको अपने देखने पर विश्वास नहीं हुआ होगा, उनको अपने कानों पर भी विश्वास नहीं हुआ होगा। यीशु मसीह प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, प्रार्थना करने वाला। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, जब लोग आपको प्रार्थना करते सुनते हैं, क्या वो एक ऐसे व्यक्ति को सुन रहे हैं जो प्रभु को जानता है? क्या वो धार्मिकता की ताल सुनते हैं? क्या वो उन बातों को सुनते हैं जो आपको किसी और ने कही? क्या वो बुद्धि को सुनते हैं? क्या वो एक आदमी को या एक औरत को या एक बच्चे को सुनते हैं जो परमेश्वर की हजूरी में समय बिताता है? क्या कभी कोई आपके पास आकर ये कहा है कि जैसे आप प्रचार करते हैं मुझे भी प्रचार करना सिखाएं? शायद ये आपके लिए घमंड की बात हो। क्या कभी किसी ने आपके पास आकर कहा मुझे भी प्रबंधक बनना है जैसे आप करते हैं? क्या कभी किसी ने आपके पास आकर कहा कि मुझे प्रार्थना करना सिखाएं? मैं कोई इतना बड़ा आदमी नहीं हूं, परंतु मुझे मौका मिला ऐसे लोगों के बीच में रहने का जो परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल हुए हूं। और एक बात जो मैंने उनमें ध्यान दिया, उन सेवकों के बीच में बहुत कम बातें ऐसी थी जो एक समान हो, सिवाय एक बात के, जब वो अपने घुटनों पर आते थे कुछ अद्भुत असाधारण बातें होती थी। एक कहावत है, जब किसी को कोई चीज मिल जाए तो वो अपनी आंखों को छोटा करके कहता है कि आप नहीं कर सकते। ऐसा करने का हुनर पैदाइशी है। आप झूठा प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। यीशु मसीह प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, और जब वो प्रार्थना करता था, लोगों ने कुछ अलग देखा। अब इससे पहले कि मैं आपके बीच में कुछ वचन रखूं और मैं आपको बताऊं कि प्रार्थना की क्या महत्ता है, पर मैं आपको इस बात पर गौर करने के लिए कहता हूं कि आप जरा देखें, एक परमेश्वर जो मनुष्य के रूप में इस धरती पर आया और उसके लिए प्रार्थना अगर इतना महत्व रखती है, तो हम लोगों के लिए प्रार्थना कितना और भी बढ़कर महत्वता रखता है।
हमें और कितना प्रार्थना पर निर्भर होना चाहिए।